1989 में रिलीज हुई रोड हाउस मूवी की रीमेक, जिसका नाम भी रोड हाउस ही है, वो मैंने देखी क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट हीरो जैक गिलनहॉल है। आइए बात करते हैं कि मुझे कैसी लगी। शुरुआत थोड़ी कैची थी, बॉक्सिंग थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी असर करती है। फिर थोड़ी स्लो हो जाती है जब हम एक नई जगह से इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद फाइट तक हमें जकड़े रखती है, लेकिन फिर बहुत सी बोरिंग हो जाती है जो सेकेंड हाफ तक खींचती चली जाती है। ज़्यादातर ये मूवी ड्रामा है जो काफ़ी बोर करेगा बीच में, क्योंकि ऐसी मूवी हम कई बार आगे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है और लगता है कि बस यार कब खत्म हो। भले ही 2 घंटे जितनी है, लेकिन स्टिल काफ़ी लंबी फील होती है। ट्विस्ट है ही नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ फाइट दमदार थी, लास्ट वाली खास। डैम ऑसम, कॉर्नर मैकग्रेगर वर्सेस जैक गिलनहॉल, नाम गलत लिया है तो माफ़ करना। कैमरा वर्क और फाइट कोरियोग्राफी भी बढ़िया थी। लोग इसको थ्रिलर फिल्म कह रहे हैं, लेकिन ये फिल्म मेरी मानो तो थ्रिलर तो हरगिज नहीं है। सॉन्ग्स बढ़िया थे और हाँ डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे, हंसा हंसा के पागल कर देंगे कुछ जगह। लोकेशन भी बढ़िया चूज किया गया था, परफॉर्मेंस भी अच्छा है सबका। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, लेकिन आई गेस कलर करेक्शन पर थोड़ा ट्राई करते तो और मस्त रहता। कुछ कुछ पंचीज देख के लगता है कि ये CGI जनरेटेड होंगे, आई गेस वो थोड़ा ठीक कर सकते थे। सो मेरा रिव्यू है 3 out of 5 stars। एक बार देख सकते हो, लेकिन उतनी अच्छी या फाड़ मूवी नहीं थी जितना एक्सपेक्ट किया गया था। कॉनर जी है इस मूवी में, UFC फाइटर, तो लगा थ्रिलर होगी लेकिन उतनी भी नहीं है। आपने ये फिल्म देखी या नहीं ये कमेंट कर ज़रूर बताना, और देखने वाले हो या नहीं ये भी बताना। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट रोड हाउस। ऐसे ही नए रिव्यूज़ के साथ फिर मिलूंगा, लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। सो मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।